हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि सचान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम वो बर्तन लेंगे जिसमें हम बनाना चाहते हैं, यानी कि बड़ा बर्तन। अगर आप पार्टी वगैरह के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको वही वाला रायता बता रही हूँ जो शादियों में आपको और पार्टियों में खाने को मिलता है। बूंदी का रायता है तो ऑफकोर्स पहले बूंदी जाएगी। तो मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ मसाला बूंदी, और बूंदी यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 100 ग्राम के लगभग। मसाला बूंदी मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। अगर मसाला बूंदी नहीं है तो नॉर्मल बूंदी ले लीजिए। 100 ग्राम मसाला बूंदी में हम 200 ग्राम गर्म पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा। एक बार इसे अच्छे से ऐसे हिला दीजिए और बूंदी फूल जाने दीजिए। इसे एक साइड रख दीजिए जब तक बूंदी हमारी फूल रही है। दूसरी तरफ ये बड़ा वाला जार ले लीजिए मिक्सी का। इसमें मैं ले रही हूँ 1/2 किलो दही। 1/2 किलो दही में 250 ग्राम पानी डालेंगे या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी, क्योंकि ये पतला ही बनता है। क्योंकि पतला नहीं बनेगा तो बूंदी सारा मॉइस्चर वैसे भी अब्जॉर्ब करेगी। तो 100 ग्राम पानी और ले रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक। आधा टी स्पून मसाला बूंदी में नमक होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक, वो भी 1/2 टीस्पून। आधा टी स्पून डालेंगे चाट मसाला। काफ़ी कंट्रोल में डालिएगा सभी चीज़ें, नमक होता है सभी में। मसाला डाल दिया है, लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे अच्छा सा तीखा और चटपटा बनाने के लिए। अपने स्वाद के हिसाब से मिर्च और नमक का इस्तेमाल करिएगा। आप ढक्कन बंद करके इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए बूंदी ने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने जो ब्लेंड करके रखा है छाछ, इसको डाल देंगे इसमें। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो और पानी मिला लीजिएगा थोड़ा सा। आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ और नमक भी चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखिए बहुत गाढ़ा है, बहुत क्रीमी रायता बना है, देख रहे हैं आप चम्मच में। अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। एकदम परफेक्ट है, कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं है इसमें। और अभी इसमें जाना बाकी है एक मैजिक इंग्रेडिएंट, यानी कि हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अगर आपके पास पुदीना है और पसंद करते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। इसे करिए मिक्स और आप इस तरह से बना कर देखिएगा, शादी पार्टी का भी रायता खाना आप भूल जाएंगे। हरा धनिया इतना बढ़िया मैजिक देगा।